अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आफ्ताब आलम। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक और नया टूल के साथ। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। कारण ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज भी मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीकनेस काफ़ी है और मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो लगातार अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है स्क्रीन प्रिंटिंग के रिलेटेड, और मैं बताऊंगा सिल्वर कलर से किस तरीके से शादी कार्ड हम प्रिंट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि सिल्वर कार्ड जो सिल्वर कलर जो होती है उससे प्रिंट करने में परेशानी होती है, क्योंकि वो उसमें चिपचिपाहट जो है ज़्यादा होती है, और चाहे वो फ्रेम में पास नहीं हो पा रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। तो इसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है सिल्वर कलर से हम साड़ी कार्ड छपाई करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ रेड कलर से किस तरीके से प्रिंट किया जाता है, और आज मैं बताऊँगा सिल्वर कलर में कितना मात्रा में हम नाइट्रो मिक्स करेंगे कि हमारा सिल्वर कलर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्क्रीन में पास हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन से दबा दीजिए और बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर जो लोग पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ हम कार्ड छापने के लिए आ चुके हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि सिल्वर कलर से किस तरह से शादी कार्ड हम प्रिंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिल्वर को हम किस तरीके से पतला करेंगे नाइट्रो डाल करके, देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये सिल्वर कलर हमने लिया है, देखिए ये आधा डब्बा है, ठीक है, ये आधा डब्बा है, और इसमें कितना मिक्स करना है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये नाइट्रो है, इसमें मैंने नाइट्रो रखा है और मैं इसको यहाँ से निकाल लिया। और देखिए मैं यहाँ पे, देखिए ये, देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डाल दिया, और देखिए इस तरह से इसको मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। फ्रेंड्स, दो तीन मिनट तक इसको इस तरह से मिक्स करना है ताकि इसका जो चिपचिपाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि सिल्वर कलर में जो है वो चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, तो फ्रेम में पकड़ लेने के कारण फ्रेम बन जाता है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स कि सिल्वर में जो है एक दो मरतबा स्क्रू जी चलाते हैं फिर उसका फ्रेम जो है जाम होने लगता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना आए, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आज अपनी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ और तकरीबन 400 कार्ड अभी मुझे प्रिंट करना है, और यहाँ गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरह से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल मिक्स कर लेना है अच्छे तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए ये सिल्वर कलर हमारा इतना ये पतला हो चुका है, देख सकते हैं। आधा डब्बा हमने सिल्वर लिया था और यहाँ पे नाइट्रो देखिए इतना था, ठीक है, हमने यहाँ से इतना तक नाइट्रो था, मैंने इतना नाइट्रो डाला, तकरीबन 30 ग्राम जो है हमने नाइट्रो इसमें डाला है आधा डब्बा सिल्वर में। अगर आपका सिल्वर ज़्यादा गाढ़ा हो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि कितना आपको बिल्कुल पतला रखना है सिल्वर। ज़्यादा अगर गाढ़ा रखेंगे सिल्वर तो आपका फ्रेम पास नहीं कर पाएगा, आपका छपाई जो है बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं आएगा। इसको जो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमने मिक्स कर लिया है, दो चार मिनट आपको मिक्स करना है। देखिए ये इतना पतला रखना है, देखिए इतना पतला रखना है, देख सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है ज़्यादा पतला भी नहीं है, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको उसे करना है। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे अब हम यहाँ पर सबसे पहले कलर को यहाँ गिरा लेंगे, ये इस तरीके से ये हमने गिरा लिया, और उसके बाद फ्रेंड्स ये स्क्यूजी है देख सकते हैं। और उससे पहले क्या करें फ्रेंड्स, ये मेरा कार्ड लगा हुआ है, हमने मेजरमेंट पे बिठा रखा है। तो सबसे पहले मैं कार्ड भी प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपको पेपर पे करना के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ बहुत दफ़ा कि पहले पेपर पर आप प्रिंट देख लें, उसके बाद
आप जो है कार्ड पे प्रिंट करें। तो फ्रेंड्स देखिए ये स्क्वीजी है और इस तरीके से पहले इसको हम इस तरह से पहले फैला लेंगे। अगर आपका नाइट्रो ज़्यादा गिर जाता है सिल्वर में तो आप सिल्वर थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं और फिर थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं अगर आप में तो प्रॉब्लम आ रही है आपको ज़्यादा पतला हो जाता है तो। ठीक है, ये इस तरीके से मिक्स कर लिया हमने और देखिए ये इस तरह से फ्रेंड्स हम पहले देख लेते हैं कि हमारा पिन किस तरह का आता है। हमने किया तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने दो बार चलाया है और देखिए छपाई तो आ रहा है देख सकते हैं। तो मैं आपको जो है अभी इस कार्ड पे प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं कार्ड पहले बिठा लेता हूँ। देखिए ये कार्ड है और हमने देखिए यहाँ पे कार्ड को बिठा लिया। ठीक है, और फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं सिल्वर यहाँ से देखिए ये ऊपर में है ले लेता हूँ और देखिए ये इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं आपको और दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ आपको बिठा लेना है इस तरह से। देखिए यह मेज़रमेंट है। ठीक है, और इसको यहाँ रख देना है। मैं थोड़ा सा सिल्वर डाल लेता हूँ। ठीक है, हमने डाल लिया। अब फ्रेंड्स हम इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से आपको प्रिंट करना है। फ्रेंड्स ये कार्ड थोड़ा हल्के दाम का है, ज़्यादा महंगा कार्ड नहीं है। और देख सकते हैं बिल्कुल छपाई, आप देख सकते हैं हम छपाई कर रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी सिल्वर में आप लोग छपाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये अगर चिपक रहा है तो इसका कारण ये है। फ्रेंड्स देखिए हमने नीचे में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर फ्रेम में आपका चिपक रहा है तो यहाँ पे जो है हमको दाब रखना होगा यहाँ पे। तो मैं रख देता हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से ऊपर रखना होगा। तो हम यहाँ पे कुछ रख देते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इस तरह से पेपर को ले लेना है और इस तरह से मोड़ करके यहाँ रखना है ताकि ये इस तरह से ऊपर हो जाए। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स इस तरीके से टेप लगा देना है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ टेप लगा दिया और फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ अब प्रिंट करेंगे। देखिए इस तरीके से, अगर क्योंकि इस तरह से ऊपर रखने से फ्रेम आपका अच्छा होता है। ठीक है, देखिए अभी हमारा कार्ड उस पर नहीं चिपक रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है आप सादे कार्ड सिल्वर कलर से प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने किस तरीके से मैं सिल्वर कलर से जो है सादी कार्ड को प्रिंट किया और फ्रेंड्स कितना मात्रा में उसमें नाइट्रो मिक्स किया, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई परेशानी आती है तो हमें कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स कमेंट जब आप कर रहे होंगे तो आप हमें अपनी जगह का नाम बताइए। ठीक है, अगर मेरे करीब में होंगे तो मैं आपको बिल्कुल बुलाकर बताऊँगा और समझाऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और मेरे इस चैनल में KGN ग्राफिक्स, मेरे इस चैनल में कोरल ड्रॉ फोटोशॉप स्क्रीन प्रिंटिंग फ्रेंड्स इसमें आपको मिलता रहेगा। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में मेरे इस वीडियोज़ को जो है शेयर कीजिए। फ्रेंड्स तो देखते रहिए, सीखते रहिए। दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद आफ्ताब आलम को इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।